खतीब उल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen. Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. आपने कभी सोचा है कि जो हम वोट देते हैं वो 5 साल तक उसका क्या असर आता है? 5 साल तक या तो आप मजबूरी की जिंदगी जीते हैं या मजबूती की जिंदगी, ये आपको चुनना। मैं नहीं बोलूंगा नासिर भाई को वोट दो, मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है कि इस बार हम अपने आप को जिताना चाहते हैं। मुर्दा रहना है तो रह लो मुर्दों की बस्ती में, जीना है तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए एक मजबूत कंधा होना जरूरी है, मजबूत कद काठी होना जरूरी है, और एक मर्दानगी के साथ बात करने वाला 24/7/365 एक मर्द होना जरूरी है। आज अगर कमर साहब के बाद इस शहर को अगर सही मायनों में अगर कोई सही मायनों में अगर लोगों के जज्बात को अगर कोई समझ सके, उनके बीच में रहकर उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके, वो एक नासिर। की बात आई थी हिंदुस्तान पर एक बुरा संकट आया था और यही लोगों ने उठाया था। उस वक्त अरबाब इख्तदार के ऐवानों में जलजला पैदा करने वाली शख्सियत अगर कोई थी तो वो उबैदुल्लाह खान आज़मी थे। सारे हिंदुस्तान के उबैदुल्लाह खान आज़मी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अरबाब इख्तदार को बताया था कि मसाइल का हल निकालो, मसाइल को हिंदुस्तान को टुकड़े होने मत दो, हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है, गंगा जमनी तहजीब का गहवाना है। मैं एक शेर अखीर में नासिर हुसैन उस्ताद के लिए कहकर, नासिर हुसैन उस्ताद जलजले ऊंची इमारत को गिरा देते हैं, नासिर हुसैन उस्ताद जलजले ऊंची इमारत को गिरा देते हैं। तू तो बुनियाद का पत्थर है, तुझे खौफ नहीं, तू तो बुनियाद का पत्थर है, तुझे खौफ नहीं। उस कौम की आजादी दिलाने वाले के बाल बच्चों का अगवा करता है, उस कौम को आजादी दिलाने वाले की इज्जत को बेइज्जती में तब्दील करता है। ये मॉब लंचिंग क्या है? ये हिजाब का मसला क्या है? ये CA क्या है? ये NRC क्या है? ये 4% जनता दल ने, मैं चूंकि जनता दल की हिमायत में आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि मैं बाकायदा ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल की हैसियत से आपको एड्रेस कर रहा हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पार्टी को जितवाने की आपसे अपील करूँ। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो ना मानो जाने जहाँ अख्तियार है, अख्तियार आप ही का है, चुनना आप ही को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या कमरुल इस्लाम भाई के बाद अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, वो लीडर थे, मगर उसके बाद क्या कोई लीडर आपको मिला? क्या इस शहर को क़यादत की ज़रूरत नहीं है? क्या इस शहर में एक मजबूत कायद नहीं चाहिए? क्या इस शहर में कमरुल इस्लाम के ख्वाबों की ताबीर नहीं चाहिए?
और अगर कमरुल इस्लाम के ख्वाबों की ताबीर और एक दूसरा कमरुल इस्लाम पैदा करना चाहते हो तो मैं कहता हूं इस मर्तबा गलती मत करना और आज के दौर के इस अजीम शान इंसान को पूरी ताकत के साथ नासिर उस्ताद को जितवाने की कोशिश करना। मैं मोटी मोटी बातें आपसे कर रहा हूं, वक्त कम है, एक 5 मिनट में अपनी बात को और समेटूंगा। देखिए आपका ओट, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है ये ओट की वजह से हो रही है, ये जो इंसानियत गारत हो रही है ये ओट की वजह से हो रही है। क्यों? आप ओट की हैसियत को समझिए। जब तक आप ओट नहीं देते और आपका ओट मतदान के पेट में नहीं जाता तब तक न वो मुस्कुराता है न हंसता न रोता, मगर जब वोट चला गया वोट पेटी के पेट में तो उसके बाद जब निकलता तो वो साइलेंट नहीं निकलता, वो जब निकलता है तो आग बन के भी निकलता है जो पूरे सूबे को पूरे देश को जलाने की हैसियत रखता है, और पानी भी बन के निकलता है जो लगी हुई आग को बुझाने की हैसियत रखता है। आपके हम सबको एक होना है, हम सबको एक होकर के कांग्रेस का जहन रखने वाले जितने भी वोटर्स हैं मैं उनसे भी अपील करता हूं, मैं उनसे अपील करता हूं, गुज़िश्ता 5 साल पहले जो गलती हुई है 5 साल सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई, हमारे गरीब भाई, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस करते आए हैं, कमजोर महसूस करते हैं। जब एनआरसी का मामला होता है एक लफ्ज बात नहीं होती, अलंग के अंदर गिरफ्तारियां होती है एक लफ्ज बात नहीं होती, असेंबली के अंदर बात होती है एक लफ्ज बात नहीं करते, अजान का मामला एक लफ्ज बात नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको ऐसी खामोश क़यादत की जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इन मामलात में आपको एक बेबाकी से जवाब देने वाला आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज आपका भाई मुसलसिल 3 महीने से फिर रहा है, आपके हर दुकान तक पहुंच चुका है, आपसे गुजारिश किया है, आपके वायदे की भी हिम्मत पर आज उम्मीदवार बनने के लिए आया हो। मैं उम्मीद करता हूं गुलबर्गा शहर के इस इंतखाबात को अपनी जातियत बना ले, ये इलेक्शन मिल्लत की इज्जत का इलेक्शन है, ये इलेक्शन आने वाले नौजवान नस्लों की शान का इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमको आपको मजबूती के साथ मुकाबला करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जितने भी यहां पर मौजूद हैं अपने आप को नासिर हुसैन उस्ताद समझेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हाथ उठा के बोलिए आप उम्मीदवार हैं कि नहीं है? इंशाल्लाह गुलबर्गा का इत्तेहाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह।